क्या बात है दीदी, वाह वाह वाह। आज आपने एक बार फिर से मुंबई जाने की अपनी टिकट पे दावेदारी साबित कर ही दी। बस जैसी है वैसी ही रही है। ऐसी मम्मी जी, ताई जी तो वो 8 बजे वाली शो वाली सास निकली। आप कौन सी सास निकली? अरे ये टीवी सीरियल वाली सासों का मुझसे क्या मुकाबला। वो जहाँ पढ़ती है ना, वहाँ का सिलेबस मैंने लिखा है। क्या बात है मम्मी जी। दीपिका और बच्चा दोनों ठीक हैं। मैंने पूरा चेकअप कर लिया है। दीपू, 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 अरे दीपू। पापा। दी। फिकर मत कर, मैं आ गया हूँ। दीपू। कैसी है तू बेटे? पापा। डॉक्टर। क्या हुआ? देखिए आप लोगों को कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड तो है एंड लकीली बेबी ठीक है। बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। आप फ्लाइंग प्रोफेशन में है ना दीपिका? वही तो मेरा सबसे बड़ा डर है। फ्लाइंग आपके लिए और आपकी बेबी के लिए, दोनों के लिए अनहेल्दी है। एटलीस्ट आपको डिलीवरी तक तो एक ऑल्टरनेट ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं फ्लाइंग अलाउ नहीं कर सकती। आपका बेबी फाइटर है, लेकिन उसे उसकी मामा की हेल्प की बहुत जरूरत है। दीपू, दीपी तो हमारी फाइटर है, है ना पापा? वो कुछ भी कर सकती है। अगर दीपिका को जॉब छोड़नी पड़ी तो वरुण को तुरंत पैसों की जरूरत पड़ेगी। आज मेरे बेबी को बेबी की मासी ने बचाया स्कूटी ड्राइव करके। आपका फोन नहीं लगा जयदेव जी। अवस्थित परिवार हमारी बेटी पल्लवी के द्वारा प्लान की हुई पूजा में आपको आमंत्रित करता है, जरूर आइएगा। अपर्णा जी ने पल्लव को बेटी तो कहा। मैं आता हूं। पापा जी। समझ में नहीं आ रहा पापा जी, डॉक्टर कह रही है कि दीपू को भी जॉब छोड़नी पड़ जाएगी। मैं स्ट्रेस हो रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो पैसे कब। फिक्र मत करो बेटे, मैं हूं ना, कुछ ना कुछ इंतजाम करूंगा मैं। आकाश सर, पल्लवी मैम दोनों ही फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? हमें जितनी कोशिश करनी थी हमने की। अब फूड इंस्पेक्शन टीम तो यही चाहेगी ना कि उन्हें खाना हेड शेफ सर्व करे। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, आई डोंट नो क्या सोचकर इन दोनों ने छुट्टी ली। बात इनकी जॉब पर आ गई, और एक बार अगर जॉब गई तो हमारी इंडस्ट्री में रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक बार रेपुटेशन गई तो कहीं पर भी जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है। जय श्री राम। जय श्री राम पंडित जी। आप पंडित जी, आप पूजा की तैयारी कीजिए, हम सब अभी आते। अरे जयदेव जी, अरे नमस्ते जी। जयदेव जी नमस्कार, आइए ना देखिए तो, आज सारी पूजा की तैयारी हमारी पल्लवी ने की। अपर्णा जी, आज मैं बहुत खुश हूँ जो आपने पल्लवी को माफ कर दी। पुरानी बातें पीछे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, आइए। जयदेव जी, हम भी पल्लवी के ऊपर गुस्सा मत करना, आइए। अबे अरे जीते बैठे जीते। अबे जी, आज की सारी तैयारी ना, सुना मैंने पल्लवी ने की है जी। बहुत एक्साइटेड हूँ आज, पता है फाइनली वो कंप्लीट वाली फीलिंग आ रही है। आपको पता है हर साल ना पंडित जी मेरी टांग खींचते थे कि बेटा आप तो बड़ा हो गया है, कब तक पूजा में अकेले बैठेगा। पापा आज की ये पूजा ना हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटे सुबह जो कुछ भी हुआ ना उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। पापा प्लीज छोड़िए ना, अभी खुशी का माहौल है तो बस खुश खुश रहते। पापा आपको पता है ये पूजा की जिम्मेदारी मम्मी ने पल्लवी को खुद दी है, और खानदानी कंगन भी। मामा
धीरे धीरे पल्लवी को एक्सेप्ट कर रही है। मैं बहुत खुश हूँ बाबा, मैं आपको बता भी नहीं सकता। आप बैठिए ना, कहता हूँ। चलिए, आखिर पल्लू ने सबका मन जीत ही लिया, अब उससे गुस्सा नहीं रह सकता मैं। पंडित जी ने जो बोला था वो सब तो रख दिया ना, सामान, गुरु दक्षिणा, कुछ छूट रहा है क्या? फोन, फोन नहीं देखा सुबह से, फोन कहाँ है मेरा? वैसे तो आकाश ने सब मैनेज कर ही लिया होगा, लेकिन फिर भी एक बार रुचि से बात कर लेती हूँ। चुप बैठो रिंकू। जब लग ही नहीं रहा तो मत लगाओ ना, मैंने कहा ना मैं खुद से लगा लूंगा। ठीक है, अपने पापा जैसे जिद्दी बनो तुम और मुझसे बात नहीं करना, जो मन में आए ना वो पहनो। ये मोबाइल तो पल्लवी चाची का है। चाची? हाँ रिंकू। ऐसे कोई अपना फोन फेंकता है क्या? आपको नहीं पसंद तो मुझे दे दो, वैसे भी आपके फोन की स्पीड बहुत बढ़िया है। अपना वीडियो गेम खेल लूंगा। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? फोन में पड़ा था, कब से बजे ही जा रहा था। थैंक यू रिंकू, मैं कब से अपना फोन ढूंढ रही हूँ। थैंक यू चाची, उल्टा है। आकाश सर और तू बड़ी प्रॉब्लम में हो। चलो गाइस, जल्दी से पेंट्री चेक कर लो और तू जाके ना फ्रिज चेक कर ले, सब कुछ एकदम साफ होना चाहिए। पल्लवी होती तो छुट्टियों में सब कुछ क्लीन कर देती। चलो चलो गाइस, जल्दी से काम पर लग जाओ। पल्लवी, हेलो पल्लवी। हेलो रुचि, तेरा मैसेज देखा था, क्या हुआ? वो घर में इतना काम था मैम। यार तू कहाँ थी सुबह से? तुझे पता है मैंने तुझे और आकाश सर को कितना कॉल किया? यहाँ ना सब कुछ गड़बड़ हो गया है, तुझे पता है यहाँ पर क्या कांड हुआ है? मेरे स्पेशल गेस्ट ने आज टेबल बुक किया है हमारी हेड शेफ पल्लवी की सिग्नेचर मेन्यू के लिए। और हेड शेफ ही कहाँ? क्या जीएम और हेड शेफ ये दोनों का यहाँ एब्सेंट रहना रोजाना है? यस सर। देख, मैं नहीं जानती कि तेरे घर पे क्या प्रॉब्लम है और कितनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ ना सब कुछ गड़बड़ हो गया। देख, अगर तू और आकाश सर नहीं आए ना तो अब तू देख ले यार क्या करना है। रुचि, आप अपनी धर्म पत्नी को बुला लीजिए, मुहूर्त का समय हो गया है। जी पंडित जी। आवाज मत दो, जाके बुला लो। हाँ ओ गॉड, अब मैं क्या करूं? ये तो आकाश की जॉब पे बात आ जाएगी, पूरी फैमिली उस पर डिपेंडेंट है, सब लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। क्या करूं क्या करूं? पल्लवी, बहुरानी, पूजा के लिए पंडित जी बुला रहे हैं। मैंने कुलगुरु महाराज को बुलाया है, बहुत दिनों से एक छोटी सी पूजा करवाना चाहती थी कुलदेवी की। अब शादी हो गई है तो ये पूजा तो तुमको करनी पड़ेगी। यहाँ ना सब कुछ गड़बड़ हो गया। देख, अगर तू और आकाश सर नहीं आए ना तो पल्लवी, पल्लवी कहाँ गई हमारी नागिन बहू? कहीं वॉशरूम में तो नहीं है? पल्लवी, पल्लवी, ओ पल्लवी, दीदी, 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 हटो हटो हटो, दीदी, दीदी कसम हो गया, कसम हो गया। कुसुम, 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 ड्रामा बंद करो, सीधे सीधे बताओ हुआ क्या? अरे दीदी, सब
नष्ट हो गया। देखिए पूजा का दिन है, इतना बड़ा दिन है और बहू, हमारी बहू कमरे में नहीं है, वो भाग गई। हाँ, जबकि दीदी ने सुबह ही कहा था उसे कि ये कुलदेवी की पूजा है, सबसे जरूरी पूजा है, आकाश की बेहतरी के लिए करते हैं। मगर देखिए आपकी बहू ने ये क्या कर दिया, वो पूजा से भाग गई। सबसे अच्छी बात यही है मेरी बहू की, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, खुद ही अपने गड्ढे खोद लेती है। अब भगवान जाने कहां गई है। पूजा आकाश के लिए थी और अगर आज मैं नहीं गई होटल तो आकाश को ही सबसे ज्यादा नुकसान होगा। आज भगवान शायद यही परीक्षा ले रहा है। आकाश की भलाई चाहिए तो आकाश की नौकरी बचाओ, उसी से पूरे परिवार का भला होगा। अच्छा आप क्या बोल रही है, ऐसे कैसे कहीं भी चली जाएगी? अब प्लीज पहले शांत हो जाइए, आप ओवर रिएक्ट कर रही है। पल्लवी कहीं नहीं गई है, घर पे कहीं ना कहीं होगी। ये सब अरेंजमेंट उसी ने किया, अभी तो यहीं थी। अच्छा तो फिर अगर वो कहीं अंतर ध्यान हो गई हो या फिर उसके पास कोई दिव्य शक्ति आ गई हो जिसकी वजह से वो अदृश्य हो गई है भाई, तो फिर मुझे पता नहीं। चाची ये पूजा कितनी जरूरी है उसे भी पता है, पल्लवी कहीं नहीं गई होगी। पल्लवी, पल्लवी कहाँ जा सकती है, अभी तो यहीं थी। मैं मुझे तो कहीं नहीं दिखी, तुमको ढूंढनी है तो जाके ढूंढ लो। अगर घर पे नहीं है तो कहाँ चली गई? पल्लवी कभी ऐसा नहीं कर सकती। नहीं करती, हम कहाँ कह रहे कि वो करती हैं, मगर बाकी मामलों में जब बाहर जाना होता है, पार्टी शार्टी करनी होती है, तब बिल्कुल नहीं करती हूँ। क्या है वहाँ ना, उसे मसाला मिलता है, झगड़ा करने को मिलता है कि नहीं? ये पूजा वूजा उसको कहाँ पता ये सारी चीजें, क्योंकि उसके घर में इन चीजों की उसे आदत ही नहीं है। देखिए बात ऐसी नहीं है, आप तो फिर कैसी है, दिख रहा है ना सब कुछ, हाथ कंगन को आरसी के आपकी नजरों के सामने है सब कुछ। जबकि दीदी ने आज सुबह ही कहा था कि ये कुलदेवी की पूजा है और हमारे घर के लिए बहुत जरूरी होती है, फिर भी आपकी बेटी की वजह से आज ये पूजा अधूरी रह जाएगी। देखिए बुरा मत मानिए भाई साहब, इसके पहले भी शायद मैंने आपसे ये बात कही थी, याद दिला देती हूँ आपको। क्या है ना, आप एक बाप है और एक बाप से जितना बन पाया, जितना आप सिखा पाए, आपने सिखाया, मगर अगर यहाँ एक माँ होती ना तो एक माँ ये सब ना होने देती। भैया बहुत लेट हो रहा है, थोड़ा प्लीज बोलिए ना। मैडम ट्रैफिक लगा है आगे, मैं क्या करूं? यहाँ तो बहुत ट्रैफिक है, मुझे जल्दी होटल पहुँचना है। टाइम क्या हो रहा है? 7:45 हो गए मैडम। हे भगवान, 8 बजने वाले हैं, ऐसे तो डेडलाइन मिस हो जाएगी मेरी, क्या करूं? कुसुम बस हो गया, तुम्हारी जबान रपटने लगती है तो लंबी चली जाती है, क्या बकवास बोल रही हो तुम? देखिए जब मैं सुनता हूँ तो मैं सुनता हूँ, और अगर मेरी गलती हुई है ना कहीं पर भी तो मैं माफी मांगता हूँ, 1 बार नहीं 10 बार माफी मांगूंगा। लेकिन ये जो आप कह रही है ना, बात ऐसी नहीं है, ये आधा सच है, ये तो सच ही नहीं, ये आपके ख्याल में है ये बातें। अरे मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। माना कि मेरी बेटी या नहीं है पूजा, पर अगर या नहीं है ना, कुछ तो वजह होगी ना, तो बेहतर यही होगा कि पहले उससे पूछ तो ले कि बात क्या है, और बाकी रही बात माँ होने की, तो मैंने जो कुछ भी किया है ना सही किया है, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं मैंने, और बार बार मैं अपनी पत्नी के ध्यान के लिए कड़घरे में खड़ा नहीं हो सकता। अरे हम सब उसे मिस करते हैं, अगर वो यहाँ हमारे साथ होती तो हम सबको बहुत अच्छा लगता। बाकी आपको जो सोचना है ना आप सोच सकती हैं। सोचना क्या है, दिख तो रहा है सर। कुसुम बस भी करो तुम। अरे क्या बस बस बस, आप मुझे ही बस करा रहे हैं। इनकी बेटी है जो पूजा अधूरी छोड़ के भाग गई है, उसका क्या, फिर भी कुछ ना बोले हम। अरे दीदी है, शांत स्वभाव की है, इसलिए वो चुप है, और इसी चीज का ना फायदा उठा रही है वो लड़की। अगर मैं उनकी जगह होती ना तो ये बिल्कुल ना होने देती। हाँ पर कहीं कहाँ होगी पल्लवी, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि उसकी जॉब जाने वाली है और वो जॉब बचाने चली गई। यहीं उतर जाती हूँ, ये
ये लीजिए, थैंक यू। अभी मेरा होटल पहुंचना बहुत जरूरी है। वेलकम सर। वेलकम सर। हेलो। हेलो सर, मिस्टर ठाकुर। अजीत। आई एम सो ग्लैड सर आप आए, आप ही का इंतजार हो रहा था। हेलो सर, गुड टू सी यू सर। पल्लवी कहाँ रह गई? कितनी देर पहले बताया था उसे, अभी तक पहुंची नहीं। टीना, आइए सर। श्योर सर, प्लीज कम। हैव अ सीट सर। शेफ पल्लवी आई हैं। इन्हें अगर बताया कि पल्लवी अभी तक आई नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। आई है ना सर, वो उसकी शिप ना 8 पीएम की थी, तो एक्चुअली सिस्टम में भी ना शो नहीं हो रहा था, शायद कोई कंफ्यूजन हो गया था। एक्सक्यूज मी सर। सर 7:55 हो रहा है, फिर तो वो अंदर ही होगी। इन दैट केस चलिए किचन में जाके मिलते हैं। हाँ चलिए सर। मिस्टर ठाकुर, चाची वॉज राइट, अलविया नहीं है। कॉल करो सर। मेरा फोन? मेरे फोन से कर ले। किसका फोन है? हाँ फोन। इसका मतलब पल्लवी होटल गई है। आई बिलीव इट। इतना समझाया मैंने, मना किया, सब कुछ मैनेज कर लिया, लेकिन फिर भी। हाँ आकाश रिलैक्स यार, जब आएगी तो आराम से बैठ के बात कर ले। अरे क्या रिलैक्स भैया, पल्लवी का कुछ पता चला? अपना फोन यहीं छोड़ के गई है पापा। मिस कॉल देख के मुझे समझ में आया कि लवी पूजा छोड़ के होटल गई है। दिस इज नॉट डन पापा। ऐसी पोजीशन में डाल देती है मुझे, अब आप ही बताइए कैसे संभालूं मैं बाहर सबको। मैंने उसे बोला था कि मैं बॉस हूं, मैंने होटल में सब मैनेज कर लिया, लेकिन नहीं, उसके खुद की जिद के आगे तुम। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इमरजेंसी आ गई हो होटल में, वरना अपना फोन यहाँ छोड़े वो कैसे जा सकती है पापा। लेकिन आकाश अंकल ठीक बोल रहे हैं, वरना इतना सब कुछ अरेंज करके ऐसे क्यों चली जाएगी? नहीं भैया, आई एम सॉरी, लेकिन आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अब तक मैंने उसकी हर बात मानी है, और आज मैंने सब कुछ मैनेज किया था होटल से लेकर घर तक, आज तो कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती थी। आज अगर कुछ गलत है तो पल्लवी है पापा, बात छोटी नहीं है। मम्मा ने पहली बार उसके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस दिखाया था, उसे घर की सबसे इंपॉर्टेंट पूजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, सब कुछ मैनेज करने के लिए दिया था, सब कुछ मैनेज हो भी गया था, लेकिन अचानक ऐसे बिना किसी से बोले फिर से गायब है। आप ही बताइए पापा, ऐसे रिश्ते कैसे सुलझेंगे? माँ पूजा शुरू करते हैं। पल्लवी? पल्लवी होटल गई है, वो नहीं है और नहीं आएगी। जयदेव जी आप तो जानते हैं ना ये पूजा कितनी इम्पोर्टेंट है। आकाश अभी अभी अटैक से, इतने बड़े ऑपरेशन से बाहर निकला है, खास इसके लिए रखवाई थी ये पूजा। जब तक बेटा माँ के सपोर्ट होता है माँ करती है ये सब, लेकिन इसके आगे का धर्म तो पत्नी को ही निभाना चाहिए ना। हो सकता है पल्लवी इन रीति रिवाजों में ना मानती हो, पर अपने लिए ना सही परिवार के लिए बैठ जाती आज। मैंने व्रत नहीं रखा ये सोचकर कि बहू कर लेगी सब, मैं भी नहीं बैठ सकती पूजा में, खंडित हो जाएगी। नहीं आप मुझे एक बात बताइए, आप ठीक से मेन्यू भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हैं। क्या खोल रखा है आपने, होटल खोल रखा है या धर्मशाला? मेन्यू एक्सप्लेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारे हेड शेफ की है, और वो तो यहाँ पर है नहीं, तो आकाश अवस्थी और ये पल्लवी
मियां बीबी मिलकर मेरी बैंड बजवाएंगे। इन दोनों को अब मुझे जॉब से निकालना ही होगा। जयदेव जी, मेरा कहना सिर्फ इतना है, पल्लवी मुझे बता देती कि मम्मी जी मत रखिए पूजा, मैं नहीं बैठ पाऊंगी, मुझे होटल जाना ज्यादा जरूरी है। बस आप प्लीज परेशान मत होइए, पल्लवी नहीं है तो ना सही, अकेले करूंगा ये पूजा। पंडित जी मंत्र शुरू करिए। काश तो क्या कर रहा है बेटा? वही कर रहा हूँ जो सही है माँ, आपने ये पूजा सबको बता के रखी है तो पूजा जरूर होगी। जजमान जी, ये पूजा अकेले नहीं हो सकती, पत्नी का होना बहुत अनिवार्य है। पल्लवी तुमने ये ठीक नहीं किया। शाबाश पल्लवी, अपने रिश्ते को बचाने का सबसे अच्छा मौका गवा दिया तुमने, अब ये गेम पूरी तरह से मेरी है। इस रिश्ते को तुम अब कभी सुधार नहीं पाओगी पल्लवी, कभी नहीं। मुझे सब ठीक करना होगा, मौका ढूंढ के अंदर जाना पड़ेगा। अगर मैंने ये मौका गवा दिया तो आकाश की जॉब चली जाएगी, जो हमारी फैमिली के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं, मैं ये मौका नहीं गवा सकती। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।